चांदपुर में आभा फाउंडेशन द्वारा तीसरे सर्वजातीय विवाह समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 21 बेटियों का विवाह पूर्ण विधि विधान से संपन्न कराया गया है। आभा फाउंडेशन निजी खर्चे से इस समारोह का खर्च उठाती है। सर्वजातीय विवाह समारोह में फाउंडेशन द्वारा 6000 लोगों को न्योता भेजा गया था। समय समय पर फाउंडेशन द्वारा बेटियों का विवाह कराया जा रहा है। इससे पहले भी 2 बार फाउंडेशन द्वारा सर्वजातीय विवाह समारोह का आयोजन कराकर बेटियों का विवाह कराया जा चुका है। विवाह समारोह में 21 बेटियों को दान के रूप में फाउंडेशन की ओर से पंखे, बेड, संदूक, जोड़े आदि उपहार स्वरूप दिया गया है। बृहस्पतिवार को चांदपुर में आभा फाउंडेशन ने प्रबंधक श्रीमती आभा सिंह के निर्देशन में सफलतापूर्वक 21 बेटियों का विवाह पूर्ण विधि विधान से संपन्न कराया। समाज सेवी संस्था आभा फाउंडेशन पिछले कई वर्षों से क्षेत्र के जरूरतमंद व्यक्तियों की मदद के लिए समय समय पर आगे आती है तथा जरूरत के हिसाब से संस्था के नियमों के आधार पर पात्र को निःशुल्क सुविधा दी जाती है। संस्था का एक ही सर्वव्यापी नियम है कि बिना किसी भेदभाव के जन सामान्य के निस्वार्थ के लिए सेवा करना। संस्था की प्रबंधिका श्रीमती आभा सिंह व पति पुष्पराज सिंह ने अपने साझे संस्कार में बताया कि संस्था निरंतर अपने कार्यों से जनता को लाभान्वित कर रही है तथा निरंतर करती रहेगी। श्रीमती आभा सिंह ने कहा कि उनका मानना है कि जन साधारण की सेवा ही ईश्वर की परम भक्ति है। संस्था अभी तक 71 शादियां भिन्न भिन्न धर्म व जातियों की बेटियों की करा चुकी है। ये भी बताते चले कि संस्था किसी भी प्रकार का अनुदान कार्य करने के लिए तथा शादियों में आए हुए अतिथियों से किसी भी प्रकार का उपहार या वित्तीय योगदान स्वीकार नहीं करती है। अतिथियों का आना ही संस्था व संस्था के सभी सदस्यों के लिए सम्मान का विषय है। इसी क्रम में चलते हुए पिछले कई महीनों से क्षेत्रों के लोगों से विवाह के आवेदन संस्था द्वारा मांगे गए थे, जिसमें 21 अति जरूरतमंद कन्याओं के फार्म को संस्था ने स्वीकार किया था। 21 कन्याओं के विवाह सहित 2 मुस्लिम बेटियों का विवाह भी निकाह भी संपन्न कराया गया है।